देखी जनाब आपने बहुत दिन में चक्कर लगाया। बोलो क्या पियोगे क्या सुनोगे? हे चंपा बाई, हाँ? मैं आपके लिए एक आज अनोखी चीज लाया हूँ। ऐसा क्या लेकर आए हो हमारे लिए? आज जिस चीज को मैं आपको खवाऊंगा, हाँ? और आप खा करके अमर हो जाओगी। ओहो, ऐसा तो संसार में आज तक मैंने कोई चीज ही नहीं देखी जो खाकर अमर हो जाए। और आप अमर हो जाएंगी तो मैं आपके पास आता रहूंगा और जाता रहूंगा। सच बताओ गोस्वामी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझे कितने अच्छे लग रहे हो कसम से। ओहो दीवानी है तुम्हारी। क्यों नहीं, मैं भी आप पर दीवाना हूँ। और हम तो तेरे आशिक हैं। और हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अच्छा, चाहे तू माने प्यार की कहानियां हर महफिल में है।
तुम इतनी तारीफ मार रही थी, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? मैं आपके लिए अमर फल लेके आया हूँ। ये अमर फल, इसकी तारीफ? इसे आप खाकर अमर हो जाओगी। मैं कभी भी नहीं मरूंगी। कभी नहीं? अच्छा, तो कितने भी राम बन जाए लेकिन मैं नहीं मरूंगी। आप नहीं मर सकती। तो मेरा कोठा सलामत रहेगा? हाँ। कितने मेहमान आएंगे और कितने जाएंगे? जाएंगे और हम बात आते ही जाते रहेंगे आपके पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मेरे अपने हो। हाँ। कभी आओ कभी जाओ, दरबार हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। ठीक है, वो हम चलते हैं। कोई से भी बेड पे सोना, कुछ भी खाना, मौज करना। अच्छा, तो आप जा रहे हैं? अच्छा जी, और लब्बू जैसे कितने आएंगे? ए चंपा भाई। हाँ। हम जाते रहे पिल्ले, आपके लिए पैसा भी देते। ओहो कितना प्यार, ओहो मर गई रात, क्या कहने हैं शेर कोतवाल, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या मुजरा सुना था, दिखाऊंगी बाद में, पहले मैं कभी अब मैं इसे खाकर करूंगी तो करूंगी क्या। हमारे जो शहर की बादशाह सलामत है, अगर वो खाएगी तो इस प्रजा का भला होगा, क्यों ना मैं ले जाके उनके लिए दे दूं, तो अच्छी बात रहेगी और शहर में न्याय की बात रहेगी, क्यों ना चलना चाहिए मुझे। हाँ जी, अरे शहर को उत्पाल, मेरी कहा नमस्ते जी तुम्हारे लिए। अरे खुश रहो, बादशाह सलामत, खुश रहो। कहिए, ओहो किस कारण आना हुआ? आना क्या महाराज, तुम्हारे दरबार में मैं क्यों आई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तोहफा लेकर आई हूँ कि जो याद रखोगे। क्या ले? और बड़ी दूर से आए हैं प्यार का चौक गए। क्या कोई शक लग गया मेरे ऊपर? नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई? आपके ऊपर कोई शक नहीं है। हे, आप ये बताइए इस फल को लेके कहां से आई? महाराज मैं लेके कहीं से नहीं आई, जो तुम्हारी कोतवाल है। अच्छा, ये मेरी कोठी पर लेकर गए थे, मुझसे कह रहे थे कि आप खा लोगी तो अमर हो जाओगी। मैंने सोचा कि मैं अमर होके क्या करूंगी, हमारे शहर के महाराज हैं, अगर वो खाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, तो इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। चलो ठीक है, अब आप जा सकती हो। महाराज प्रणाम। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये अमर फल तो मैंने अपनी रानी के लिए दिया था और ये दूसरा तो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे कोतवाल को ही बुलाना चाहिए और उससे मालूम करना चाहिए। कोतवाल, कोतवाल, रानी कहाँ? महाराज प्रणाम। खुश रहो। क्या बात है महाराज? रानी जी। कहिए महाराज। आपने वो अमर फल खा लिया क्या? आके सवेरे ही खा लिया। सही बताओ। तुम्हारी कसम महाराज, मैंने खा लिया। अच्छा, आपने अमर फल खा लिया? हाँ महाराज, मैंने खा लिया। तूने खा लिया लेकिन लंबू का नाम नहीं लिया। अब आप इधर खड़ी हो जाओ और मैं देखता हूँ
आपकी गर्दन में तलवार से काटूंगा यदि आपने फल खा लिया होगा तो आप मरोगी नहीं। नहीं महाराज। क्यों? ये तो तलवार है, काट ही देगी। नहीं, जब आपने अमर फल खा लिया है तो आप मर ही नहीं सकते। नहीं महाराज, ये तो काट ही देगी, लोहे की तलवार है, आप किसी पे चलाओगे तो वो तो मर ही जाएगा। सच बताओ, बात क्या है? महाराज कोई बात नहीं, मैंने तो खा लिया है। आपने अमर फल खा लिया? हाँ महाराज खा लिया है। झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैंने खा लिया सवेरे। कोतवाल के लिए पेश किया जाए। मैं करता हूँ प्रणाम आपको। खुश रहो। हे कोतवाल, ये अमर फल किसने दिया? ये आपके पास कहाँ से आया? मुझे उस कोठे वाली ने दिया। हमारे लिए तो किसी ने नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा। देखिए, हमारे राज्य में झूठ नहीं बोलता है कोई। झूठ मत बोलो, सही बताओ, ये फल आपको किसने दिया? महाराज, आपके दरबार में कोई झूठ बोलता है तो उसका क्या होता है? सजाए मौत। ठीक है, तो हम बताते हैं। बताओ। ये हमारे लिए अमर फल रानी पिंगला ने दिया। क्या कहा? रानी पिंगला ने? हाँ, पिंगला मुझसे प्यार करती है। अच्छा, चलो ठीक है कोतवाल, आप जा सकते हो। कहिए महाराज, क्या बात है? अरे रानी। हाँ महाराज। अरे तूने मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को निकाल दिया, निकलवा दिया, और तू मुझे धोखा दे रही है। कैसी बातें करते हो महाराज? तूने ये अमर फल कोतवाल के लिए दिया या नहीं दिया, सही बताओ। नहीं महाराज, किसी और ने दिया होगा। नहीं, ये अमर फल वही है और नहीं है, दूसरा नहीं बना, ये केवल वही अमर फल है। हाँ महाराज, अमर फल तो वही है। हाँ, इसके पास। रानी, मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगाई थी, कितना प्यार किया था, मगर उसका सिला आपने ये दिया। महाराज मुझे क्षमा करिए महाराज, उससे गलती हो गई महाराज। किसी ने सच कहा है दोस्तों कि चांदनी चांद से नहीं, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ये गलत कहा है रानी। क्यों पता है? अरे चांदनी चांद से नहीं, तारों से भी हो सकती है, और काली रात हो, और मोहब्बत एक से नहीं हजारों से हो सकती है, तेरे जैसी रंडी की जात हो। सुनिए महाराज, मुझे क्षमा करिए महाराज। नार नहीं नौरंगी है, अरे नौरंगी नहीं सौरंगी है, अरे ढके तो पूरे कुल को ढक ले, ना खुद नंगी की नंगी है। हे रानी, मैं और ये राज छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं महाराज, ऐसी बातें मत करिए। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझसे क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रंगी महली के दस दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकासी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकासी।